हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टूरी पॉइंट लर्निंग। आज मैं क्लास 12 के पीएच सब्जेक्ट में से चैप्टर 3 योगा एंड लाइफस्टाइल डिस्कस करने जा रही हूँ और आज मैं उसका पार्ट 1 डिस्कस करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। मीनिंग ऑफ आसन, इसको समझाने से पहले ये चैप्टर है, ये आपका काफ़ी कुछ 11th पे बेस है, मतलब 11th में आपने ये चैप्टर योगा नाम से पढ़ा है। उसमें आपने दो टाइप के कैटेगरीज पढ़े थे, एक रिलैक्सेटिव और एक आपका रिलैक्स के मतलब वो आसन जो रिलैक्सेशन के लिए थे और वो आसन जो कंसंट्रेशन के लिए करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप जो आसन पढ़ेंगे वो आसन है एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए करने चाहिए, यानी किसी टाइप की डिजीज को ठीक करना है उसको करने उस चीज़ के लिए अगर आप आसन करें, तो वो पार्ट आपके यहाँ क्लास 12th में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ आसन से समझाती हूँ। मीनिंग कहा है मैंने, डेफिनेशन नहीं कहा है। यहाँ पे कोई आपकी डेफिनेशन नहीं दी है, मीनिंग ऑफ आसन दिया है। इफ़ यू वांट कि आप आसन की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप अपनी 11th की बुक को बिल्कुल प्रेफर करें और वहाँ आपको डेफिनेशन वगैरह मिल जाएंगी एंड वहाँ से आप अपने कॉपीज में उसको लिख सकते हो। फिलहाल मीनिंग डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ सिंपल एंड इकोनॉमिकल प्रिवेंटिव मेजर that can help in treating most of the widespread non-communicable lifestyle diseases. ये एक simple and economical method है, आसान और सस्ता method है, जिससे आप अपने आसपास के जितने भी non-communicable lifestyle diseases हैं, यानी वो diseases जो एक दूसरे से transfer नहीं होते बल्कि आपको किसी कारण से diseases हो जाएं और उनको आप cure कर सकें, and improving the health of people, और आपकी health को अच्छा करने के लिए जो आप मूवमेंट्स करें, जो आप मेजर्स लें, उनको कहा जाता है आसन। आते हैं इनके यूजेस पे। तो यहाँ आपके यूजेस में आसन तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, मेंटल हेल्थ, हेल्दी बोन्स और डीलिंग विद ओबेसिटी एंड डायबिटीज। अगर आप अपना आंसर बहुत ही प्रेजेंटेबल और अच्छा लिखना चाहते हैं बोर्ड्स में, तो बिल्कुल आप अपनी 11th की बुक से वहाँ पे यूजेस, बेनिफिट्स ऑफ आसन वगैरह बहुत अच्छी तरीके से दिए हैं हेडिंग एंड विद द एक्सप्लेनेशन, आप वहाँ से अपने नोट्स बनाइए और उसको भी प्रेफर कीजिए, उस बुक को भी अपने इस 12th के बुक के इस चैप्टर के साथ ऐड करिए और तब आंसर फॉर्म्स कीजिए, तो आपका जो पूरा ओवरऑल आंसर है वो बहुत ही प्रेजेंटेटिव बनेगा। सो सबसे पहले यूज ऑफ आसन, मेंटल हेल्थ, यानी आपकी मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए आसन किए जाते हैं। कई सारे आसन आपने 11th में भी पढ़े हैं, रिलैक्सेटिव आसन और मेडिटेशन और कंसंट्रेशन लेवल इम्प्रूव करने के लिए जो आसन परफॉर्म होते हैं, तो बिल्कुल आसन करने से मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है, जिसमें आपके स्ट्रेस को रिलीव किया जाता है, आपका माइंड शांत होता है, डिप्रेशन से भी आपको निजात मिलता है। आगे आप डिजीजेज में हाइपरटेंशन भी देखोगे तो उसके भी कई सारे आसन हैं कि आप हाइपरटेंशन कैसे कम कर सकते हो। सो दिस इज मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए आप आसन करते हैं। दूसरा है हेल्दी बोन्स। कई सारे आपके आसन हैं एज अ प्रिवेंटिव मेजर जो कि आप करते हैं, जिससे आपकी बोन्स वगैरह जो हैं वो हेल्दी रहती हैं, स्ट्रांग बनती हैं, और अगर किसी टाइप की बोन की थोड़ी डिसेबिलिटी है तो वो भी आपकी आसन से इम्प्रूव होती है। कई केसेस में आपको अगर किसी टाइप की डिसेबिलिटी है तो आसन वगैरह जो हैं वो आपकी मदद करते हैं उस डिसेबिलिटी को दूर करने में। सो जैसे आपके ट्रायंगल पोज, ब्रिज पोज, वॉरियर पोज, ये आगे आप पढ़ेंगे, तो ये जो पोजेस होते हैं ये आपकी हड्डियों को हेल्दी बनाने के लिए फायदेमंद होते हैं। थर्ड यूज पे आते हैं जो कि है डीलिंग विद ओबेसिटी एंड डायबिटीज। अभी आप कई सारे डिजीजेस से रिलेटेड आसन पढ़ेंगे तो उसमें ओबेसिटी एंड डायबिटीज भी इंक्लूडेड है। आसन को बहुत ही ज्यादा असरदार माना गया है ओबेसिटी को कम करने के लिए, यानी मोटापे को कम करने के लिए, और डायबिटीज को कम करने के लिए। काफी हद तक एज अ प्रिवेंटिव मेजर आसन यूज किए जाते हैं, डॉक्टर भी कंसल्ट करते हैं। सो बिल्कुल इसके एग्जाम्पल आपके वज्र आसन, चक्र आसन, वृक्षासन, पश्चिम उत्तन आसन, मत्स्य आसन, ये सारे आसन इन ओबेसिटी और डायबिटीज में अगर परफॉर्म किए जाएं तो हम इन प्रॉब्लम से कोप अप कर सकते हैं। तो ये हो गए इनके यूजेस और मीनिंग। अब आते हैं नेक्स्ट, जो आपका जहां से मेन एक टॉपिक स्टार्ट है, आपको अलग अलग डिजीजेस दी हैं और उसमें कौन कौन से आसन एज अ प्रिवेंटिव मेजर यूज करने चाहिए। पहले मैं एक प्रिवेंटिव मेजर का मीनिंग आपको बता दूं कि जो आसन आपको किसी डिजीज से प्रिवेंट करने के लिए आप परफॉर्म करें
वो आसन कहलाते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी जिनसे डिजीजेस वगैरह कुछ ठीक हों आपकी। तो बिल्कुल पहला है हमारा ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। इट इज अ कंडीशन इन विच अ पर्सन हैज एक्यूमुलेटेड सो मच ऑफ बॉडी फैट विच माइट हैव नेगेटिव इफेक्ट ऑन हिज और हर बॉडी। आपके शरीर में इतना ज्यादा फैट एक्यूमुलेट हो जाए, इकट्ठा हो जाए, जो कि आप पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालने लगे, आपकी आपकी बॉडी को नेगेटिवली अफेक्ट करने लगे, या उससे संबंधित कई सारे और रोग, कई सारे डिजीजेस और हो जाए आपको, तो वो सिचुएशन आपकी ओबेसिटी कहलाती है। सम डिजीजेस विच अकर ड्यू टू ओबेसिटी, ओबेसिटी से कुछ डिजीजेस जो होती हैं उनके फर्दर नाम्स आपके हैं अर्थराइटिस। अर्थराइटिस हो जाता है, मेनली पाया जाता है मोटे लोगों को ये डिजीज हो जाती है। हाइपरटेंशन, बीपी का हाई या लो होना, और कई बार आपके हार्ट का फंक्शन प्रॉपर ना करना, तो ये सारे सिम्टम्स। टेंशन रहना, देन डिप्रेशन, और ये एक्सट्रीम केसेस ऑफ हाइपरटेंशन, वो सारे। देन कैंसर, कई केसेस में कैंसर भी होता है। फ्लैट फूट, यानी आपके पैर बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं क्योंकि आपके शरीर का भार इतना ज्यादा है, दैट इज फ्लैट फूट। रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो जाती हैं, खाना वगैरह से सॉरी आपका रेस्पिरेटरी में, जैसे आपको सांस सांस लेने में दिक्कत होती है, जो कि हम मोटे लोगों में अक्सर फाइंड आउट करते हैं, अस्थमा वगैरह की प्रॉब्लम उन्हें रहती है। देन नेक्स्ट लिवर प्रॉब्लम, जाहिर सी बात है आपका फैट बढ़ रहा है तो वो फैट कहीं ना कहीं आपके लिवर को अफेक्ट करता ही है, क्योंकि आपका फैट स्टोर होता है, जिसकी वजह से लिवर आपका उस केस में डैमेज हो जाता है या काम करना कम कर देता है, तो लिवर प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। तो दीज आर ऑल डिजीजेस एंड दे एग्जाम्पल्स। आते हैं नेक्स्ट पे, इट कैन बी मेजर्ड बाय कैलकुलेटिंग बीएमआई। ओबेसिटी एक इंसान की कैसे मेजर की जाती है, ये आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो। बीएमआई का काफी बढ़िया से बिल्कुल डेफिनेशन, फॉर्मूला, एग्जाम्पल, ये सब कुछ वहां दिया हुआ है। तो बीएमआई कैलकुलेट होता है और अलग अलग रेंज होती है, जैसे नॉर्मल, ओवरवेट, अंडरवेट, ओबीज। तो ओबीज वाली कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो वो आपकी ओबेसिटी सिचुएशन दिखाता है। बीएमआई का फॉर्मूला होता है वेट इन केजी, आपको केजी में अपना वेट लिखना है, हाइट इन मीटर स्क्वायर, यानी कि आपको अपनी हाइट लिखनी है और उसका स्क्वायर करके लिखना है। सो दिस इज द फॉर्मूला, इससे जो वैल्यू निकलेगी तो वो आप कैटेगरी में देखेंगे कि वो नॉर्मल में रेंज कर रही है या अंडर वेट है आप, या ओवर वेट है, या ओबीज है। सो दैट इज वॉट इस फॉर्मूले को लगा के आपकी ओबेसिटी लेवल चेक किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कॉजेज ऑफ ओबेसिटी कैन बी, किन कारणों से ओबेसिटी हो सकती है। तो कई सारे कारण हैं, जेनेटिक्स, पूरी फैमिली ही वैसी है, मोटापे वाली दिक्कत पूरी फैमिली को है, तो मे बी पॉसिबल कि आपको भी हो। देन ओवर ईटिंग, बहुत ज़्यादा हर वक्त इधर उधर कुछ ना कुछ खाने पीने की आदत है, तो ओवर ईटिंग भी। फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग, कई बार दिन भर में खाते हैं, टाइम्स ऑफ ईटिंग बहुत ज़्यादा है कि दिन भर में दो तीन बार खा रहे हैं खाना, या पूरे दिन में चार पांच बार कोई मील ले रहे हैं आप, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग। देन फिजिकल इनएक्टिविटी, की खाना तो ठीक है खा रहे हैं जो खा रहे हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन जो भी आप ऑयली फूड या जो भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई भी फिजिकल इनएक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं आप, कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, कोई फिजिकल स्ट्रेन नहीं ले रहे हैं, बॉडी को चला फिरा नहीं रहे हैं, तो उस केस में वो खाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो उसका फैट, जो फैट कंटेंट है वो आपके शरीर के वेट को बढ़ाने का ही काम करता है। एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, कई बार साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से भी ओबेसिटी की शिकायत हो जाती है, जैसे कि हम अगर कभी कभार बहुत दुखी हैं तो खाना बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज़ वॉट स्ट्रेस है, एंगर है, हम बहुत बोर हो रहे हैं, कई केसेज में बोरिंग केसेज में देखा जाता है कि बहुत बोर होते हैं तो चलो कुछ बना ही लिया जाए और खा लिया जाए, तो ये वाली जो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है उसके कारण भी ओबेसिटी बढ़ता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ इसके ओबेसिटी को कम करने के लिए जो आसन एडवाइजेबल हैं वो डिस्कस करूंगी वन बाय वन, और आपके जितने आसन मैं डिस्कस करूंगी उसमें उनके मीनिंग्स डिस्कस करूंगी और बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राडिक्शन डिस्कस करूंगी, स्टेप्स नहीं डिस्कस करूंगी, क्योंकि स्टेप्स तो आप उन आसन को देखें, उनको परफॉर्म करें या उनका वीडियो वगैरह उनको करते हुए देखें तो वो ज़्यादा क्लियर होगा आपको, इसलिए स्टेप्स नहीं डिस्कस करूंगी। बाकी बेनिफिट्स भी बिल्कुल जो आपके बुक्स वगैरह में दिए हैं इनके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूंगी मैं आपको, इन रिटर्न भी प्रोवाइड करूंगी अपने ब्लॉग पे,
और आपको यहाँ पे उनके बेनिफिट्स कॉन्ट्राडिक्शन बिल्कुल क्लियरली समझाऊंगी भी। सो नेक्स्ट क्लास से हमारे आसन ओबेसिटी से रिलेटेड स्टार्ट होंगे। अगर इतने पार्ट पर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेरी है आपकी, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको जो भी मेरे वीडियो अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो हैव अ नाइस डे।